तो बच्चों ये सेकेंड वाला फिगर मुझे गिवन है, ये सारी वैल्यूज दे रखी है। देखो एक्स एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन। तो मुझे एक्स निकालना है। सबसे पहले देखो, अगर डी ई इस पैरेलल टू बी सी है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ से मैं करता हूँ कि जो ए डी होगा अपॉन डी बी होगा, ए डी इज रेशियो में किसके, डी बी के, और जो ए ई होगा वो रेशियो में होगा ई सी के, राइट। तो यहाँ पे देखिए, मैं जो बोलता हूँ, ए डी है मेरे पे एक्स, डी बी है मेरे पे एक्स माइनस टू, ए ई है मेरे पे एक्स प्लस टू और ई सी है मेरे पे एक्स माइनस वन। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलने वाला है, देखो एक्स एक्स माइनस वन इक्वल्स टू एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, राइट। तो देखो यहाँ से आने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, राइट। तो देखो ये सिमिलर है, ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये कैंसल आउट हो जाएगा। देखो अगर ये प्लस का इधर जाके तो वैसे भी कट नहीं है, तो देखो माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एक्स की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों 4। देखो मेरे पे एक्स की वैल्यू आ गई। अब मुझे यहाँ पे, पहले तो मुझे ये दे रखा था, अब दूसरी वैल्यूज आ गई। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर दोबारा से करता हूँ। तो बच्चों अब मैं जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे बना लिया है। देखो ये जो मेरे पे डी बी है वो एक्स माइनस थ्री, और ये पूरा ए बी कितना है 2x, ए सी पूरा 2x प्लस थ्री है, और ई सी मेरे पे एक्स माइनस टू, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, देखो हमें पता है कि ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो मेरा ए डी होने वाला है वो किसके, ए बी के रेसिप्रोकल में होगा, है ना, रेशियो में होगा, और जो ए ई होने वाला है ये किसके रेशियो में होने वाला है, ए ए सी के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए डी कितना है मेरे पे, ए डी ए डी मुझे नहीं गिवन, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ए डी तो यहाँ पे मुझे गिवन नहीं है, तो मैं इस ए डी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ डी बी, और ए ई की जगह पे लिख सकता हूँ मैं ई सी। तो ऐसे करके कर लो, देखो ये डी बी क्या हो गया मेरे पे, एक्स माइनस थ्री अपॉन ए बी क्या है मेरे पे 2x इक्वल टू ई सी है मेरे पे एक्स माइनस टू, ए सी कितना है मेरे पे, ए सी है मेरे पे 2x प्लस थ्री, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और यहाँ से सॉल्व करता हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री 2x प्लस थ्री इक्वल्स टू एक्स माइनस टू और 2x, राइट। ये हो जाएगा, देखिए इस x से इसको पहले मल्टीप्लाई, फिर इस x से इस 3 को, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 9, राइट, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x, राइट। यहाँ से देखो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल आउट, ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस 4x। ये माइनस 4x मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ और माइनस 9 मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा देखिए माइनस 3x प्लस 4x इक्वल्स टू 9, राइट। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पे 9 सेंटीमीटर। यहाँ से मेरे पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर आ गई। तो देखो हमारा सेकेंड वाला पार्ट भी हो चुका है, सेकेंड वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। अब हम प्रोसीड करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे।